हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपनी एग्जाम्पल 9। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आप बच्चों को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व करने का वे सिखाया था, जिसमें हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता था, दैट मीन्स जिसमें डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता था, तो उसके रियल रूट्स नहीं होते हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, तो उसके कौन से रूट्स होते हैं? कॉम्प्लेक्स रूट्स। और डियर स्टूडेंट्स, ये आप बच्चों को मैंने सिखाया था कि हम वो कॉम्प्लेक्स रूट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, और साथ में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा उसको स्टेट किया था। वो कहती है कि हाँ भाई, अगर हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल है जिसकी डिग्री एन है, तो उसके कितने रूट्स होंगे? उसके एन ही रूट्स भी होंगे। तो इट मीन्स अ पॉलिनॉमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री एन हैज एन रूट्स। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। अब हम देखेंगे अपने एग्जाम्पल 9, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम इसको फाइंड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर लेक्चर पसंद आते हैं, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर डालें, और साथ में जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ ये लेक्चर्स जरूर शेयर करें, वो भी इन लेक्चर्स से फायदा उठा सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, एग्जाम्पल 9 में हमारे पास क्या है? सॉल्व x² + 2 इज इक्वल टू 0। अब डियर फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप बच्चों को पता होगा, 9th क्लास में पढ़ते हो कि अगर कोई हमारे पास ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी, तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो डियर फ्रेंड्स, जब आप इस इक्वेशन में देख रहे हो, तो इसमें वेरिएबल आपको एक्स दिख रहा है, और एक्स की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है? 2 दिख रही है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें ये जो इक्वेशन दी है, इसको हमने ऐसे लिखा है। अब देखो, हमने क्या करना होता है, इसको सॉल्व करना होता है, इसका मतलब हमने एक्स फाइंड करना होता है। दैट मींस जो एक्स, मतलब इसी के रूट्स होते हैं, वही होते हैं एक्स की वैल्यूज, तो वही हमने फाइंड करने होते हैं। तो देखो, यहाँ पे देखो, x² + 2 हमें 0 दिया है। इट मींस जब हम इसको इस तरफ ले आएंगे, तो ये प्लस का 2 दूसरी तरफ आएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा। 0 - 2 दैट मींस -2। तो ये x² हमारे पास क्या बन जाएगा? -2 के बराबर। अगर स्टूडेंट, जब आप इस रूट को, इस स्क्वेयर को दूसरी तरफ लाते हो, तो किसमें चेंज होता है? अंडर रूट में। तो रिजल्ट वो हमने अंडर रूट में लिखा है। और जब भी स्क्वायर दूसरी तरफ आता है, साथ में प्लस माइनस साइन दोनों आते हैं। ये आप बच्चों को पता है क्यों आते हैं? क्योंकि अगर आप जैसे +2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आएगा, और अगर आप -2 का स्क्वायर करो तब भी हमारे पास 4 आता है। इसलिए मतलब जब भी हम कभी 4 का अंडर रूट लिखेंगे, तो उसके साथ हम प्लस माइनस जरूर डालेंगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर भी हमारे पास पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर भी हमारे पास पॉजिटिव ही रहता है। तो इसलिए ये हमने लिख लिया x = +√-2। अब डिसीजन ये पता है आप बच्चों को, ये हमारे पास -2 है, तो इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं? तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 * -1। तो ये लिख सकते हैं 2 * -1। तो डिसीजन ये आप बच्चों को मैंने सिखाया था कि √a * √ab हमारे पास क्या होता है? √a √ b। तो ये आप बच्चों को पता है, लेकिन ये कब होता है? अगर हमारे पास दोनों नंबर्स क्या होंगे? नेगेटिव होंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर कोई एक नंबर नेगेटिव हो या दोनों नंबर पॉजिटिव हो, तो ये चीज हम लगा सकते हैं कि √a * √ab √a * √ b के बराबर होता है। तो जैसे यही हमने लिखा है, √2 * -1 था, तो 2 का अलग से रूट और -1 का रूट अलग से दे दिया, तो वही लिखा है 2 का रूट और -1 का रूट अलग से। अब क्वेश्चन ये तो रहेगा वही, लेकिन जो √-1 होता है, ये आप बच्चों को बताते हैं, ये किसके बराबर होता है? इओटा। तो क्वेश्चन ये हम लिख लेंगे इओटा के बराबर। तो वही हमने लिखा है, जो एक्स होगा वो +-2 वही रहेगा, +√2 वही है, और साथ में आ गया इओटा, तो वही लिखा है। अब इसका मतलब एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? √2 इओटा प्लस में, और दूसरी आ गई -√2 इओटा। तो क्वेश्चन वही लिखा है, x = +√2 इओटा और -√2 इओटा। तो ये हमारे पास दो जो रूट्स आ जाएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आई होप डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को समझ आ गया होगा अब कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसकी डिग्री क्या है? 2 है, तो इसका मतलब उसके 2 ही रूट्स होंगे, और वही दोनों रूट्स हमने फाइंड कर लिए।
अगर आप बच्चों ने ये कम्प्लेक्स नंबर्स नहीं पढ़े होते तो आप बच्चों ने क्या कहना था कि ये एक्स स्क्वायर हमारे पास माइनस टू आ गया और इसका रूट हमारे पास पॉसिबल नहीं है, रियल नंबर रियल वैल्यू नहीं आती है, इट मीन्स इसके रूट्स हमें रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। तो अब जब आपने कम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ लिए हैं तो अब आप बच्चे क्या कर सकते हो, इसके अगर रियल रूट्स नहीं आते तो कम्प्लेक्स रूट्स आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो रूट्स होने ही होने हैं, चाहे वो कम्प्लेक्स होंगे चाहे रियल होंगे, लेकिन जरूर होंगे। तो जैसे अब हम देखते हैं अपनी एग्जाम्पल 10, तो जिस एग्जाम्पल 10 में हमारे पास क्या है, ये आप बच्चे देख पा रहे हैं, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ये भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, यहाँ पे वेरिएबल एक्स है और एक्स की हाईएस्ट पावर यहाँ पे भी टू है, इसका मतलब इसके कितने रूट्स होंगे, दो ही रूट्स होंगे। अब डियर ये हमें जो इक्वेशन दी है इसको हमने सॉल्व करना है, तो डियर तो आप बच्चों को एक जनरल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताई थी, तो वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो डियर अब हम ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इसको और इसको हम कंपेयर कर देंगे। तो डियर जो एक्स स्क्वायर है इसका क्वेश्चन यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे इसका एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन क्या है, वन है, क्योंकि वन इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, तो इट मीन्स ए की वैल्यू हमें वन मिल जाएगी। अब एक्स का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी है, लेकिन यहाँ पे एक्स का क्वेश्चन क्या है, कुछ भी नहीं, इट मीन्स वो वन होगा, क्योंकि वन इंटू एक्स करेंगे तब जाके हमारे पास एक्स आएगा, इसका मतलब बी का कोएफिशिएंट भी क्या है, वन है, और ये है हमारे पास कांस्टेंट टर्म सी, और सी की वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, वन होगी। तो जैसे इस तरह से ए बी और सी ये तीनों वैल्यूज हमें मिल गई। जब डिस्टूडेंट्स हमें ए बी और सी की वैल्यूज पता होती हैं, तो डिस्टूडेंट्स आप बच्चों को मैंने सिखाया है कि ये हम कैसे जो एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, या मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कम कैसे सॉल्व करते हैं। तो डिस्टूडेंट ये एक्स हमारा किसके बराबर आ जाता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो डिस्टूडेंट जो बी की वैल्यू वो वन है, यहाँ पे लिख लेंगे माइनस वन हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे वन का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फोर ए और सी, तो ए की वैल्यू वन है और सी की वैल्यू भी वन है, तो फोर इंटू वन आ जाएगा। तो डिस्टूडेंट वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये डिनोमिनेटर में टू इंटू ए था तो ए की वैल्यू वन है, तो टू इंटू वन लिख लिया। तो इसका मतलब हमने ए बी और सी की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दिए इस फॉर्मूले में। तो डिस्टूडेंट हमारे पास क्या बन गया, माइनस वन प्लस माइनस रूट ऑफ वन का स्क्वायर वन रहता है, फोर इंटू वन करेंगे मतलब फोर वन या फोर फोर, और साथ में फोर से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे वन के साथ तो वो फोर ही आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, वन का स्क्वायर वन, वन माइनस फोर, और अपॉन में क्या रहेगा, टू रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, माइनस वन प्लस माइनस रूट ऑफ वन माइनस फोर, तो एक में से चार निकालेंगे तो माइनस तीन आता है, आधा है, क्योंकि जो बड़ी टर्म है वो फोर है और फोर नेगेटिव साइन में है, तो इसका मतलब वन माइनस फोर करेंगे तो माइनस थ्री हमारे पास आएगा। तो जैसे जब भाई ये हमारे पास माइनस थ्री आता है, तो अब आप बच्चे यहां पे देख सकते हो, ये हमारे पास मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट होता था बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो डिस्टूडेंट ये हमारे पास नेगेटिव में आ रहा है, इट मीन्स अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, थ्री इंटू माइनस वन, तो वही हम लिखेंगे। जब इसको अगर आप इस तरह से लिख लो थ्री इंटू माइनस वन, तो ये थ्री का रूट अलग से हो जाएगा और माइनस वन का रूट अलग से, तो वही लिखा है हमने, थ्री का रूट अलग से और माइनस वन का रूट अलग से। आप डिस्टूडेंट ये आप बच्चों को पता है कि रूट ऑफ माइनस वन हमारे पास ईओटा के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा माइनस वन प्लस माइनस और रूट थ्री इंटू ईओटा, ये रूट थ्री रहेगा और ये ईओटा हो जाएगा अपॉन टू। अब डिस्टूडेंट यहाँ पे एक बार प्लस आ जाएगा, दूसरी बार माइनस आ जाएगा, तो हम ये दोनों वैल्यूज लिख सकते हैं अलग अलग। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, माइनस वन प्लस रूट थ्री ईओटा अपॉन टू, एक ये लिखी है, दूसरी माइनस वन माइनस रूट थ्री ईओटा, तो माइनस वन माइनस रूट थ्री ईओटा अपॉन टू। तो डिस्टूडेंट इस तरह से हमने ये लिख लिया, ये एक्स की वैल्यूज हमें दो मिल गई। अब अगर इनका आप अलग अलग डिनोमिनेटर देना चाहो तो माइनस वन अपॉन टू रहेगा और इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा रूट थ्री अपॉन टू ईओटा। सिमिलरली यहाँ पे भी माइनस वन अपॉन टू और ये बीच का माइनस है वो माइनस लिखा है और रूट थ्री अपॉन टू ईओटा। तो जिसमें ये हमारे पास एक नंबर ये हो गया और दूसरा नंबर ये हो गया जो एक्स की वैल्यूज आ गई। तो जैसे इस तरह से एक और दो, तो कितने रूट्स निकल गए हमें, टू रूट्स हमें मिल गए, और ये दोनों रूट्स कौन से हैं, कम्प्लेक्स रूट्स हैं क्योंकि इनमें ईओटा आ गया। तो जैसे यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन का, जो हमें इक्वेशन दी थी उसका यही सॉल्यूशन है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये प्रीवियस वाली एग्जांपल भी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर अच्छे से समझ आ रही है तो प्लीज डियर स्टूडेंट्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो लेसन यहाँ पे क्या है, रूट ऑफ फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो लेसन यहाँ पे भी वेरिएबल एक्स है और एक्स की हाईएस्ट पावर यहाँ पे टू है, इट मीन्स इसकी डिग्री टू है, तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने रूट्स होंगे, टू रूट्स होंगे, और वो ही दोनों रूट्स हमने फाइंड करने हैं।
तो डिफ्रेंड यहां पे देखो, ये हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी वो हमने यहां पे लिख ली है। अब हम इसको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसके साथ हम इसको कंपेयर करते हैं। तो जो एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन यहां पे ए है, तो एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन यहां पे क्या है, रूट फाइव है। यहां पे एक्स का क्वेश्चन वन रहेगा और यहां पे रूट फाइव हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म रहेगी। तो एक्स का क्वेश्चन बी, दैट मीन्स बी की वैल्यू हमारे पास वन रहेगी और सी की वैल्यू हमारे पास रूट फाइव रहेगी। तो वही लिखिए, बी की वैल्यू वन, सी की वैल्यू रूट फाइव और ए की वैल्यू हमारे पास यहां पे था एक्स का क्वेश्चन, वो क्या था, रूट फाइव। तो जैसे ए बी और सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, अब हमने सिर्फ इन वैल्यूज को पुट करना होता है और सॉल्व करना होता है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो जैसे ये फॉर्मूला आप बच्चों ने याद रखना है, ये टेंथ क्लास में आप बच्चों को ये प्रूव करके भी दिखाया जाता है कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। तो जैसे यहां पे देखिएगा, यू माइनस और बी, बी की वैल्यू वन है, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी। तो ए की वैल्यू रूट फाइव है और सी की वैल्यू भी रूट फाइव है, वो हम यहां पे लिख देंगे। तो वो लिखा है वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू रूट फाइव इंटू रूट फाइव अपॉन टू ए, तो ए की वैल्यू आ जाएगी रूट फाइव। तो वन का स्क्वायर वन ही रहता है, फोर इंटू रूट फाइव इंटू रूट फाइव क्या होता है, तो रूट फाइव डियर स्टूडेंट्स, रूट फाइव इंटू रूट फाइव रूट फाइव स्क्वायर हो जाता है, ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये फाइव का ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा, फाइव बच जाएगा। तो ये इन दोनों से क्या आ गया, फाइव और फाइव फोर जो ट्वेंटी, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये हो गया वन माइनस ट्वेंटी, यहाँ पे है माइनस वन प्लस माइनस रूट ऑफ वन माइनस ट्वेंटी अपॉन टू रूट फाइव। अब जैसे जब एक में से बीस को निकालोगे तो माइनस उन्नीस बचेगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस वन प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस ट्वेंटी अपॉन टू रूट फाइव। अब देखो ये हमारे पास माइनस उन्नीस आ गया, अब आप इसको चेंज कर सकते हो योटा की फॉर्म के लिए। तो ये क्या कर सकते हो, उन्नीस इंटू माइनस वन, तो नाइनटीन इंटू माइनस वन लिखोगे तो नाइनटीन का रूट अलग से आ जाएगा, माइनस वन का रूट अलग से आ जाएगा, इस तरह से लिखोगे। तो देखो ये हमने लिखा है वही रूट ऑफ नाइनटीन इंटू रूट ऑफ माइनस वन। अब देखो ये माइनस वन का रूट तो आप बच्चों को आता है, वो क्या होता है, योटा, और वो हमने लिखा है यहाँ पे रूट नाइनटीन। तो माइनस वन प्लस माइनस रूट ऑफ नाइनटीन योटा आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास ये हो गया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास टू इंटू ए था तो वो रूट टू रूट फाइव ही रहेगा, वैसे ही हमारा डिनोमिनेटर सेम वैसा ही चलता आ रहा है। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर अलग अलग कर देंगे, तो डियर स्टूडेंट्स और साथ में ये प्लस माइनस साइन भी दोनों अलग अलग दो बार लिख लेंगे। तो एक बार हम प्लस का साइन लेंगे बीच में और एक बार माइनस का साइन लेंगे। तो यहां पे हमने प्लस का साइन ले लिया और यहां पे हमने माइनस का साइन लिया, बाकी हमारे नंबर्स वैसे ही है, माइनस वन प्लस रूट उन्नीस इयोटा अपॉन टू रूट फाइव, और यहां पे भी माइनस वन माइनस रूट नाइनटीन इयोटा अपॉन टू रूट फाइव। तो जैसे अब ये हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को अलग अलग डिनोमिनेटर दे सकते हैं, माइनस वन अपॉन टू रूट इयोटा टू सॉरी रूट फाइव प्लस रूट नाइनटीन अपॉन टू रूट फाइव इयोटा, और यहां पे क्या रहेगा, माइनस वन अपॉन टू रूट फाइव माइनस रूट नाइनटीन अपॉन रूट फाइव इयोटा। तो वही हमने यहां पे लिखा हुआ है। तो जैसे आई होप आप बच्चों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इस एग्जांपल को भी हमने बहुत ही इजी वे में ये सॉल्व कर ली हुई है। तो जैसे आई होप आपको ये सब कुछ समझ अच्छे से आ रहा होगा। अब हम देखते हैं अपनी जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज के हमारे पास 10 क्वेश्चन है, तो आई होप इन क्वेश्चन को हम अपने इस लेक्चर में कवर कर ही लेंगे। तो जैसे हमारे पास क्या है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ये हमें जो इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो ये इक्वेशन हमने सॉल्व करनी है। जो गिवन इक्वेशन है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो स्टूडेंट जो एक्स स्क्वायर हो जाएगा वो हमारे पास ये रूट थ्री कहां चला जाएगा, ये प्लस का थ्री दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का थ्री आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये स्क्वायर हमारा यहाँ पे अंडर रूट में आता है तो अंडर रूट में लिखते हैं, और जब अंडर रूट में आता है तो अपने साथ क्या ले आता है, प्लस माइनस दोनों साइन लाता है, तो वही हमने प्लस माइनस लिखा हुआ है यहाँ पे। तो स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि कई बार हम प्लस माइनस लिखते हैं और कई बार हम नहीं लिखते हैं, तो जैसे वहां पे हम नहीं लिखते हैं, नहीं लिखने वाली बात कहां पे होती है, जहां पे सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए होती है। जैसे देखो डिस्टेंस अगर हमें एरिया फाइंड करना होगा तो हम वहां पे पॉजिटिव वाली को ही कंसिडर करते हैं, या नेगेटिव वाली को हम वहां पे कंसिडर नहीं करते हैं, या हमें लेंथ निकालनी होगी तो वहां पे भी हम सिर्फ पॉजिटिव वाली को वैल्यू को कंसिडर करते हैं, इसलिए हम वहां पे पॉजिटिव ही रखते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहती है या उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ही रहती है, तो जैसे वहां पे हमें ये लिखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आप बच्चों को बताया जो एक्स होगा मतलब वो उसके रियल रूट्स भी हो सकते हैं, कम्प्लेक्स रूट्स भी हो सकते हैं, और डिस्टूडेंट्स रियल नंबर्स या कम्प्लेक्स नंबर्स में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, इसलिए हमने इन दोनों को कंसिडर करना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे लिख लिया प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस थ्री, अब जैसे माइनस थ्री को हम चेंज करेंगे तो थ्री इंटू माइनस वन आएगा, तो इस तरह से लिख सकते हो थ्री इंटू माइनस वन और उसका रूट, तो जैसे ये रूट थ्री अलग से आ जाएगा और रूट ऑफ माइनस वन
अलग से आ जाएगा। तो जिसमें ये रूट थ्री वैसा ही रहेगा, लेकिन रूट ऑफ माइनस वन आपको पता है ये हमारे पास किसके बराबर होता है, ईओटा के बराबर होता है। तो इस तरह से हमारे पास जो एक्स की वैल्यू एक प्लस रूट थ्री ईओटा आ गई और दूसरी माइनस रूट थ्री ईओटा आ गई, तो वही लिखा है रूट थ्री ईओटा माइनस रूट थ्री ईओटा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आई होप ये आप बच्चों को समझ आ गया होगा, ये बिल्कुल वैसा था जैसे हमने अपनी एग्जाम्पल की थी। अब डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर टू, तो ये आप बच्चों को दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर टू में हमारे पास क्या है, 2x² + x + 1 = 0, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। अब इस इक्वेशन में देखो जो वेरिएबल है, वेरिएबल का जो उसके हाईएस्ट पावर है वो यहाँ पे भी 2 है, इट मीन्स ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके भी कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। तो जैसे जब हम इसको कंपेयर करते हैं ax² + bx + c = 0 के साथ, तो जैसे वहां पे देखो आप अगर जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया वहां पे भी आप इसी फॉर्मूला को लगा के क्वेश्चन निकाल सकते हो, लेकिन ये स्टूडेंट्स अगर वो सिंपल तरीके से निकल रहा है तो हमें ये कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने उसको सिंपली सॉल्व कर दिया हुआ है। अब जैसे यहां पे देखो a की वैल्यू हमारे पास 2 रहेगी क्योंकि x² का कोएफिशिएंट है 2, x का कोएफिशिएंट है 1, तो b की वैल्यू 1 रहेगी और कांस्टेंट टर्म हमारे पास c वो क्या है 1 है, तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1 मिल गई। तो जैसे हमने a, b और c की वैल्यू फाइंड कर दी, अब हम जो हमारे पास फॉर्मूला होता है x = -b + √b² - 4ac / 2a, तो ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे। तो जैसे जो b की वैल्यू वो हमारे पास 1 थी, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे भी 1 करके लिखेंगे, 4 इंटू यहाँ पे a की जगह पे 2 लिखेंगे और c की जगह पे 1 लिखेंगे अपॉन 2 इंटू a की जगह पे हम 2 लिख लेंगे। तो जैसे यही हमने नंबर यहाँ पे पुट कर दिए, तो ये हमारे पास आ गया -1 + -√1² - 4 × 2 × 1 / 2 × 2। तो जैसे ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1² 1 ही जाएगा, 4 × 2 = 8, 8 × 1 करेंगे तो 8 1 - 8 और यहाँ पे अपॉन में क्या बचेगा 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको भी सॉल्व कर देंगे। तो वही हमने लिखा है x = -1 + √1² - 4 × 2 × 1 है, तो ये हमारे पास 1 - 8 बन जाएगा अपॉन 2 × 2, दैट मीन 4 आ जाएगा। तो जैसे -1 + √1 - 8 करेंगे तो -7 रहेगा। अब -7 को आप किस तरह से लिख सकते हो, 7 × -1, तो वैसे ही लिखा है और इसका इन दोनों का अलग अलग रूट आ जाएगा √7 × √-1, तो वही लिखा है √7 × √-1। तो √-1 आप बच्चों को पता है वो ईओटा के बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा -1 + √7 ईओटा, तो वही लिखा है -1 + √7 ईओटा अपॉन क्या है 4 है, तो एक हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस वाला लिख लेंगे, एक बार माइनस वाला लिख लेंगे, तो हमारे 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएंगे। अब आप बच्चों को ये दिखाई दे रहा होगा, तो जैसे वही हमने लिखा है -1 + √7 ईओटा अपॉन 4 और यहाँ पे भी है हमारे पास -1 - √7 ईओटा अपॉन 4। अब जैसे इसका अलग से हमने डिनोमिनेटर दे दिया इसको और इसको, यहाँ पे भी इसको और इसको अलग से डिनोमिनेटर दे दिया, तो ये हमारे पास आ गया -1 / 4 + √7 / 4 ईओटा, यहाँ पे -1 / 4 - √7 / 4 ईओटा। अब जैसे आई होप आप बच्चों को ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, x² + 3x + 9 = 0, तो ये इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे इसको भी हम ax² + bx + c = 0, ये होती है हमारे पास क्या, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे आप बच्चों को पता होगा अगर लीनियर इक्वेशन हो तो वो कैसे होती है ax + b, और अगर क्यूबिक इक्वेशन लिखनी हो जनरल में वो क्या होती है, ax³ + bx² + cx + d = 0, इस तरह से होती है। तो आई होप आप बच्चों को समझ आ गया हो, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, ये होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल में और ये हमारे पास होती है क्यूबिक इक्वेशन इन जनरल। तो जैसे अब हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे, तो हम देखेंगे a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। तो यहां से दिख रही है सामने c की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू हमारे पास 3 रहेगी और a हम किसका कोएफिशिएंट है, x² का है, तो x² का कोएफिशिएंट यहां पे क्या है 1, क्योंकि 1 × x² करेंगे तो x² ही आएगा, इट मीन्स a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 9। तो जैसे अब हम क्या कर देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे अपना x = -b + √b² - 4ac / 2a, ये सारी की सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो -b दैट मींस -3 + √b² 3 का स्क्वायर हो जाएगा -4 × a × c, तो a हमारे पास 1 था और c हमारे पास 9 था, तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी, तो ये आ जाएगा -3 + √3² 9 और यहां पे क्या आ जाएगा 9 × 4 = 36, तो 9 - 36 अपॉन क्या आ जाएगा 2 × 1, दैट मींस 2 रहेगा। तो इस तरह से अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या मिलता है -3 + √9 - 36 करेंगे तो -27। अब आप बच्चों को सबको पता चल ही गया होगा हम जो माइनस वाले नंबर होते हैं रूट में उसको हम किस तरह से लिखते हैं, 27 × -1 और 27 का अलग से रूट आ जाएगा और -1 का अलग से रूट आ जाएगा। तो 27 का रूट लिखोगे तो वो वही रहेगा, लेकिन जो -1 का रूट होता है वो हमारे पास ईओटा हो जाता है, क्योंकि आप बच्चों को तो पता ही है कि जो ईओटा होता है वो हमारे पास √-1 होता है। तो जैसे इस तरह से हमने यहाँ पे √-1 को ईओटा लिख लिया है।
तो जैसे ये हमारे पास क्या हो गया, 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 27 योटा अपॉन 2। अब प्लस वाली एक वैल्यू लिख लेंगे अलग से और माइनस वाली अलग से वैल्यू लिख लेंगे, तो वही लिखी है माइनस 3 माइनस रूट 27 योटा अपॉन 2, और ये वाली हमने पॉजिटिव में वैल्यू लिख ली है। अब ये 2 हमारा दोनों का अलग अलग डिनोमिनेटर जाएगा, माइनस 3 अपॉन 2 प्लस रूट 7 रूट 27 अपॉन 2 योटा, यहां पर आ जाएगा माइनस 3 अपॉन 2 माइनस रूट 27 अपॉन 2 योटा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने एक्स के दोनों रूट फाइंड कर दिए हैं। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो डिफरेंट क्वेश्चन नंबर 4 आप बच्चों को ये अच्छे से दिखाई दे रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो जैसे ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो जैसे ये हमारे पास इसको अगर आप जनरल में कंपेयर करो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के बराबर है। तो स्टूडेंट्स एक्स का क्वेश्चन ए है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स का क्वेश्चन क्या आएगा, क्योंकि माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो जैसे इसका ए की वैल्यू हमारे पास माइनस वन रहेगी, बी एक्स का क्वेश्चन क्या है बी होता है, और यहाँ पे एक्स का क्वेश्चन क्या रहेगा वन, क्योंकि वन इंटू एक्स करेंगे तो अभी हमारे पास जाके एक्स ही आ जाएगा। तो जिसमें बी की वैल्यू 1 रहेगी और सी की वैल्यू हमारे पास यहां से देखोगे तो माइनस 2 रहेगी। तो देन सी की वैल्यू हमारे पास माइनस 2 आ गई। आई होप स्टूडेंट्स आप बच्चों को समझ आ गया होगा, लेकिन एक एक बात आप बच्चों ने और याद रखनी है, यहां पे आपने इसको सिर्फ 2 नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि डी स्टूडेंट यहां पे क्या है प्लस का साइन है। तो डी स्टूडेंट जब यहां पे प्लस का साइन है तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, प्लस इंटू माइनस 2, तो तब जाके हमारे पास माइनस 2 आ सकता है। तो इट मींस यहां पे जो सी होगा उसकी वैल्यू हमारे पास माइनस 2 ही रहेगी। तो जैसे हमने सी की वैल्यू माइनस 2 लिख ली है तो जो एक्स रहेगा उसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन 2 ए। तो यही हम वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे। तो जो बी की वैल्यू हमारे पास 1 थी वो हमने यहां पुट की है, यहां पे भी बी था, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए हमारे पास माइनस 1 है और सी हमारे पास माइनस 2 है, तो 4 ए सी हमने लिख लिया, 4 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 2। तो इसलिए हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस। तो इट मीन्स ये हमारे पास आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस क्या जाएगा 4 टू जा 8 अपॉन, यहां पे आ जाएगा 1 प्लस माइनस और यहां पे भी माइनस और अपॉन में आ जाएगा माइनस 2। तो इस तरह से अब हम इसको भी सॉल्व कर देंगे। तो जैसे ये हमने लिखा हुआ है, अब इसके हम x की 2 वैल्यूज फाइंड करेंगे और वही वैल्यूज हमारी आंसर होंगी। तो रेफरेंस इसी तरह से जो x होगा, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस 1 रूट ऑफ 1 माइनस 8, यही बताया मैंने आप बच्चों को, तो 1 माइनस 8 करेंगे तो माइनस 7 आ जाएगा। तो माइनस 7 को आप किस तरह से लिख सकते हो, 7 इंटू माइनस 1, तो वही हमने लिखा है रूट ऑफ 7 इंटू रूट ऑफ माइनस 1। तो ये मैंने दोबारा से यहां पे लिख लिया हुआ है, माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 7 अपॉन माइनस 2। अब जैसे यहां पे क्या हो जाएगा, देखो रूट ऑफ 7 इंटू रूट ऑफ माइनस 1 हमारे पास क्या होता है इयोटा, तो ये आ जाएगा रूट 7 इयोटा। तो जिसने वही हमने लिखा है रूट 7 और साथ में यहाँ पे इयोटा, प्लस माइनस वैसा ही, माइनस 1 वैसा ही और माइनस 2 भी हमने बिल्कुल सेम वैसा ही लिखा हुआ है। तो जिसमें अब हमारा क्या हो जाएगा, एक प्लस में वैल्यू आ जाएगी तो प्लस में लिखिए और दूसरी माइनस में वैल्यू आ जाएगी, और साथ में ये जो हमारे पास माइनस 2 है ये अब इसका डिनोमिनेटर इसका भी हो जाएगा और इसका दोनों का ये डिनोमिनेटर ये आ जाएगा। तो वही लिखा है माइनस 1 अपॉन माइनस 2 करेंगे तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस ये क्या आ जाएगा रूट 7 अपॉन 2 योटा, और यहां पे क्या आ जाएगा माइनस 1 इंटू अपॉन माइनस 2 करेंगे। तो जैसे ये कर सकते हो माइनस 1 अपॉन माइनस 2, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है तो आ जाता है 1 अपॉन 2। तो रही वही डिफरेंट यहां पे क्या है, अब यहां पे आ जाएगा माइनस रूट 7 अपॉन माइनस रूट 2, तो ये डिफरेंट ये हमारे पास माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस रूट 7 अपॉन माइनस रूट 2, तो हमारे पास क्या रहेगा, सॉरी 2 था यहां पे सिर्फ, तो यहां पे हम 2 ही लिखेंगे, तो माइनस था तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो रूट 7 अपॉन 2 योटा आ जाएगा। तो जैसे इस तरह से हमने x की 2 वैल्यूज फाइंड कर दी, मतलब दो रूट्स हमने फाइंड कर लिए। अब इसमें हमारे पास ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहां पे भी जो हमारे पास वेरिएबल है x, तो उसका स्क्वायर है हमारे पास यहाँ पे। तो जैसे ये अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसका मतलब इसके भी कितने होंगे जो सॉरी रूट्स, तो वो भी हमारे पास 2 होंगे। तो जैसे ये हमें इक्वेशन दी हुई थी हमने वैसे ही लिखी है, अब हम इसको कंपेयर कर देंगे ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के साथ। तो ए की वैल्यू हमें 1 मिलेगी, बी की वैल्यू हमें 3 मिलेगी और सी की वैल्यू हमारे पास 5 आएगी। तो वही लिखिए ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 3 और सी इज इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे, जो x होता है वो हमारे पास क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन 2 ए। तो जो वैल्यूज होंगी वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारे पास 1 है और c हमारे पास 5 है, तो 4 इंटू 1 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू वो ए की जगह पे आ जाएगा 1, तो 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 1, तो रेशन वही हमने यहाँ पे लिखा होगा। तो रेशन ये हमने जब लिखा हुआ है तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 4 होता है 20, तो 9 माइनस 20 हो गया। यहाँ पे माइनस 3 वैसा ही है, प्लस माइनस रूट ऑफ 9 माइनस 20 अपॉन 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही आएगा। तो 9 में से 20 निकालेंगे तो माइनस 11 होगा। अब माइनस 11 को आप इस तरह से लिख सकते हो, 11
इंटू माइनस वन, और इन दोनों का रूट आ जाएगा तो रूट इलेवन इंटू रूट माइनस वन आ जाएगा। तो ये लिखा है रूट इलेवन इंटू रूट माइनस वन, और यहां पे आ गया माइनस थ्री प्लस माइनस रूट इलेवन रूट माइनस वन अपॉन में क्या आ गया टू आ गया। अब देखो हमारे पास क्या हो गया, रूट थ्री प्लस माइनस रूट इलेवन और रूट ऑफ इओटा की वैल्यू हमारे पास, रूट ऑफ माइनस वन की वैल्यू हमारे पास आ गई इओटा। तो इस तरह से हमारे पास अब ये एक एक्स वाली वैल्यू हो जाएगी, वही लिखी है, और दूसरी हमारे पास माइनस वाली वैल्यू हो जाएगी, और ये टू हमारा इसके साथ भी डिवाइड हो जाएगा और इसके साथ भी, तो रूट थ्री अपॉन माइनस थ्री अपॉन टू आ जाएगा यहाँ पे, और रूट इलेवन अपॉन टू, तो एक बार बीच में प्लस में एक बार बीच में माइनस। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारे पास ये भी टू रूट आ गए। अब इसमें हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सिक्स, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स भी हमारा सेम वैसा ही है, मतलब ये है हमें क्वेश्चन नंबर सिक्स दिया है, मैंने दोबारा से लिखा है ताकि आप बच्चों को भूल ना जाए कि ये हम क्या कर रहे हैं। तो हम कर रहे क्या है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, जो हमें इक्वेशन दी थी, हर एक क्वेश्चन में दस तक क्वेश्चन दिए हुए, उन सारों में इस तरह से पार्ट दिए हुए। तो डिस्टेंट ये हमें क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, और इसको भी हमने सॉल्व करना है। तो टेस्ट ये भी आप देख सकते हो, तो ये भी कौन सी क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल एक्स है उसकी हाईएस्ट पावर टू है, तो जब ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है मतलब हाईएस्ट पावर टू है, डिग्री टू है, तो इट मींस इसके भी कितने रूट्स होंगे, टू ही रूट्स होंगे, और वही टू रूट्स हम फाइंड करेंगे। तो ये हम इक्वेशन दी है, इसको हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो जब हम यहां से देखेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पे रहेगा वन, तब जाके हमारे पास वन इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो वन आ जाएगा। फिर देखो जो एक्स का कोएफिशिएंट क्या होता है बी, तो मुझे बताइएगा यहां पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या आएगा, यहां पे एक्स का कोएफिशिएंट आएगा माइनस वन, क्योंकि डी स्टूडेंट जो माइनस वन इंटू एक्स करेंगे तो अब जाके हमारे पास यहाँ पे माइनस एक्स आएगा। देखो ये हमें इक्वेशन दी थी, इसको आप इस तरह से देख सकते हो, वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हो। तो तब जाके जब आप इसको कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू वन रहेगी, बी की वैल्यू माइनस वन रहेगी, और सी की वैल्यू टू रहेगी। तो वही लिखिए ए बी और सी की वैल्यूज, अब हम यही वैल्यूज क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो बी की वैल्यू हमारे पास माइनस वन है, तो वही लिखा है वन माइनस इंटू माइनस वन, माइनस फॉर्मूले का है, और साथ में माइनस वन लिखा है बी की जगह पे, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो माइनस वन का स्क्वायर, माइनस फोर इंटू ए, ए हमारे पास वन है और सी हमारे पास भी क्या है टू है, तो वही हमने लिखा है फोर इंटू वन इंटू टू अपॉन टू इंटू ए, तो ए की वैल्यू हमारे पास वन है, तो टू इंटू वन आ जाएगा। माइनस इंटू माइनस वन करेंगे तो प्लस वन हो जाएगा, प्लस माइनस वैसा ही है, माइनस वन का स्क्वायर हमारे पास वन ही रहता है, और फोर टू जो हमारे पास क्या होता है एट, तो ये क्या जाएगा वन माइनस एट, तो वन माइनस एट करेंगे तो रूट ऑफ माइनस सेवन आएगा, अपॉन हमारे पास टू ही रहेगा। तो यही हमने यहाँ पे लिखा होगा, आप बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आप बच्चों को अभी थोड़ी देर में दिखा देता हूं। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या लिखा है, वन प्लस माइनस रूट ऑफ वन माइनस एट अपॉन टू, और यहाँ पे वन प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस सेवन अपॉन टू। तो डिस्टेंस अब आप यहाँ पे देखोगे तो इन दोनों को हमने क्या कर देना है, अब एक प्लस वाली वैल्यू लिखनी है, एक बार माइनस वाली, तो प्लस वाली अलग से लिखिए, माइनस वाली अलग से लिख लिए, सॉरी हम यहाँ पे पहले ऐसे भी कर सकते थे, जो रूट माइनस सेवन है तो इसको अलग से लिख सकते थे, तो रूट सेवन इंटू रूट माइनस वन, तो वैसे भी कर सकते थे, हमने यहाँ पे थोड़ा जल्दी स्किप कर दिया होगा, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो ये हमारे पास रूट सेवन यहाँ पे आ जाएगा और रूट माइनस वन यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे माइनस, तो रूट सेवन अलग से हो जाएगा और रूट माइनस वन अलग से, इसकी वैल्यू इयोटा और इसकी वैल्यू भी इयोटा, तो वही लिखिए वन प्लस रूट सेवन इयोटा अपॉन टू, वन माइनस रूट सेवन इयोटा अपॉन टू। तो इस तरह से जो एक्स होगा, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, वन अपॉन टू प्लस रूट सेवन अपॉन टू इयोटा, वन अपॉन टू और ये माइनस है, तो रूट सेवन अपॉन टू इयोटा। तो ये हमारे पास टू वैल्यूज आ गई इसकी एक्स की, तो यही हमारे रूट होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर सेवन है, तो क्वेश्चन नंबर सेवन में हमारे पास क्या है, ये हमें दिया है रूट ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो। तो जैसे इसको भी हमने जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, तो जो ए की वैल्यू रहेगी वो हमारे पास रूट टू रहेगी, जो बी की वैल्यू रहेगी वो हमारे पास वन रहेगी, आप बच्चों को बड़ी बार मैंने बता चुका हूं, जब इस तरह से आप इसको लिखोगे तो वन इंटू एक्स दैट मीन्स बी की वैल्यू हमारे पास वन रहेगा, और जो सी की वैल्यू हमारे पास, इसको इज इक्वल टू जीरो भी लिखा है यहां पर ध्यान रखना है, तो सी की वैल्यू हमारे पास रूट टू रहेगी, तो वही लिखा है ए इज इक्वल टू रूट टू, बी इज इक्वल टू वन और सी इज इक्वल टू रूट टू। तो जैसे तो आप क्या कर सकते हो, ए बी और सी की वैल्यू पुट कर सकते हो, जो हमारे पास ये सॉल्यूशन होता है इसका, तो वो हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो वही हमने बी की वैल्यू यहां पे लिखोगे तो माइनस इंटू वन आ जाएगा, तो माइनस वन हो जाएगा, प्लस माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए हमारे पास रूट टू रहेगा, और सी की वैल्यू भी यहां पे रूट टू आ जाएगी अपॉन टू इंटू ए, दैट मीन्स टू इंटू रूट टू। तो वही डियर स्टूडेंट्स हमने यहां पे लिखा होगा, आप बच्चे यहां पे देख सकते हैं, तो ये हमने यहां पे लिखा हुआ है। तो जैसे ये हमारे पास क्या आ गया,
एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस रूट ऑफ वन स्केयर, हमारे पास वन ही रहेगा, माइनस फोर इंटू रूट टू करते हैं तो ये बच्चे आप बच्चों को पता है रूट टू का स्केयर हो जाता है, ये स्केयर और रूट कैंसिल, तो ये हमारे पास वैल्यू आती है टू, तो टू इंटू फोर करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा एट, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा वन माइनस एट, तो वन माइनस एट करोगे तो वो हमारे पास रूट ऑफ माइनस सेवन आ जाएगा, बाकी हमने बिल्कुल माइनस वन प्लस माइनस, ये हमारे पास टू रूट टू आना था, टू इंटू ए होता है तो ए की वैल्यू है टू रूट रूट टू, तो वो लिखा है टू रूट टू, तो ये हम लिखे टू रूट टू, तो जैसे हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस वन प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस सेवन को लिख सकते हो सेवन इंटू माइनस वन, तो सेवन का अलग से रूट और माइनस वन का रूट अलग से, तो डिफरेंट माइनस वन का रूट हमारे पास क्या होता है इओटा होता है, तो वही हमने लिखा है, तो ये हो जाएगा माइनस वन प्लस माइनस रूट सेवन और साथ में इओटा अपॉन टू, अब डिफरेंट हमारे पास ये प्लस वाली वैल्यू अलग से लिख लेंगे माइनस वाली वैल्यू अलग से लिख लेंगे, तो प्लस वाली यहां पे लिखी है माइनस वाली यहां पे लिखी है, तो माइनस वन प्लस रूट सेवन इओटा अपॉन टू रूट टू और माइनस वन माइनस रूट सेवन इओटा अपॉन टू रूट टू, तो ये दोनों अलग से आगे हमारे पास x की वैल्यूज, अब जिसमें जो हमारे पास x रहेगा वो क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन टू रूट टू और साथ में प्लस रूट सेवन अपॉन टू रूट टू इओटा, और सिमिलरली यहां पे भी माइनस वन अपॉन टू रूट टू और ये बीच का माइनस का साइन है तो रूट सेवन अपॉन टू रूट टू इओटा, तो इस तरह से हमने इसको भी लिख लिया। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन भी बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमारे पास बचे हैं कितने से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट नाइन और टेन, तो इन क्वेश्चन को भी हम इसी लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर एट, तो क्वेश्चन नंबर एट में हमारे पास क्या है रूट थ्री एक्स स्क्र माइनस रूट टू एक्स प्लस थ्री रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो जैसे जब आप इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के साथ, तो जो ए की वैल्यू रहेगी वो हमारे पास रूट थ्री आ जाएगी, जो बी की वैल्यू रहेगी वो देखो यहां पे ये क्या होता है बीच में माइनस के प्लस का भी साइन है, तो यहां पे आप इसको ऐसे लिखोगे और साथ में इसको इस तरह से लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो देखो ये हमारे पास क्या रहेगा बी की वैल्यू रूट माइनस रूट टू हो जाएगी और सी की वैल्यू हमारे पास थ्री रूट थ्री आ जाएगी, तो वही लिखिए ए की वैल्यू रूट थ्री बी की वैल्यू माइनस रूट टू और सी की वैल्यू थ्री रूट थ्री, तो जैसे हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज आ गई हैं, अब हम यही वैल्यूज कहां पे पुट कर देंगे जो हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, तो वहां पर ये वाली वैल्यूज पुट कर देंगे, तो जब हमने ये वैल्यूज पुट की तो हमें क्या मिलेगा माइनस बी, तो बी हमारा जो बी था वो हमारे पास माइनस रूट टू था प्लस माइनस बी स्केयर, तो वही माइनस रूट टू का स्केयर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी, तो ए की वैल्यू रूट थ्री थी और सी की वैल्यू थी थ्री रूट थ्री, तो वही लिखिए अपॉन टू इंटू ए, तो ए हमारे पास रूट टू है तो रूट थ्री है सॉरी, तो वही हमने यहां पे लिख लिया। अब हम ये सारी वैल्यू सॉल्व कर देंगे, तो जैसे ये हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस इंटू माइनस तो वो रहेगा प्लस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस रूट टू, दैट मीन्स रूट टू ही रहेगा प्लस माइनस, अब माइनस रूट टू का स्केयर तो माइनस का स्केयर प्लस रहता है और रूट टू का स्केयर हमारे पास क्या होता है तो वो टू आता है, आप बच्चों को पता है माइनस टू का सॉरी टू रूट टू का स्केयर, तो ये होती है कैंसिल, तो इस तरह से माइनस का स्केयर प्लस हो जाएगा और रूट टू का स्केयर हमारे पास क्या रहेगा टू ही रहेगा, आप बच्चों को ये भी पता होगा माइनस का स्केयर प्लस कैसे आ गया क्योंकि माइनस वन इंटू माइनस वन या माइनस इंटू माइनस करते हो तो वो हमें प्लस ही मिलता है, तो इसका मतलब ये हमारे पास वैल्यू टू रहेगी, और यहां पे क्या आ गई फोर इंटू थ्री करेंगे तो ट्वेल्व और रूट थ्री इंटू रूट थ्री हमारे पास क्या होता है देखो रूट थ्री इंटू रूट थ्री तो वो हमारे पास रूट थ्री का स्केयर होता है और उसकी वैल्यू आती है थ्री, तो फोर थ्री या ट्वेल्व और ट्वेल्व थ्री या 36, तो वही हमने लिखा है 36 अपॉन क्या रहेगा टू रूट थ्री, वैसा ही हमने लिखा है, अब डिफरेंस 2 में से 36 माइनस करेंगे तो माइनस 34, अब माइनस 34 को आप लिख सकते हो कैसे लिखते हो 34 इंटू माइनस वन, तो 34 अलग से लिखा है और माइनस वन का रूट हमने अलग से किया है, तो माइनस वन का रूट करेंगे तो वो इओटा आएगा, तो वही हमने इओटा लिखा है और रूट 34 इओटा आ गया, तो रूट 2 प्लस माइनस रूट 34 इओटा अपॉन टू रूट थ्री, तो डिफरेंस इस तरह से हमने ये एक्स की जो वैल्यू होगी वो हम अलग अलग करके लिख लेंगे, तो जैसे यही हमने लिखा है, अब ये प्लस वाला एक वाला अलग से लिखेंगे माइनस वाला अलग से लिखेंगे, तो प्लस वाला हमने यहाँ पे प्लस लिखा है सिर्फ यहाँ पे माइनस लिखा है, तो जैसे ये प्लस वाला और माइनस वाला अलग अलग कर दिया हमने दोनों रूट्स, तो जैसे अब हम क्या कर देते हैं ये जो डिनोमिनेटर होता है इसको भी अलग अलग बांट देंगे, तो रूट टू अपॉन टू रूट थ्री और प्लस रूट 34 अपॉन टू रूट थ्री इओटा आ जाएगा, और यहां पे भी कर सकते हो रूट टू अपॉन टू रूट थ्री माइनस रूट 34 अपॉन टू रूट थ्री इओटा, तो रिलेशन इस तरह से हमारे पास ये जो x से x की हमारे पास दोनों की दोनों वैल्यूज आ गई, इसका मतलब हमें दोनों के दोनों रूट्स मिल गए। अब हम करते हैं रिलेशन अपना क्वेश्चन नंबर नाइन, तो क्वेश्चन नंबर नाइन में हमारे पास क्या है एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन अपॉन रूट टू इज इक्वल टू जीरो, तो रिलेशन ये हमारे पास क्या है ये आप बच्चों समझ लेना ये क्या है वन अपॉन रूट टू, इसको आप इस तरह से ले सकते हो वन अपॉन रूट टू, तो रिलेशन एक ही बात होती है, तो ये हमारे पास
एक्स स्क्वेयर है प्लस एक्स है और बान रूट टू है, तो ये हमारे पास जो सी होगा ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ हम इसको कंपेयर करते हैं, तो जब ए की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, यहाँ पे देखो वन मानोगे तो ये रहेगी वन, और जो बी होगा तो यहाँ पे भी आप प्लस तो होता है फॉर्मूले का, यहाँ पे इसको आप वन मान लोगे या फिर यहाँ पे लिख लो ये हमारे पास वन रखोगे, तो एक्स ए की वैल्यू वन रहेगी, बी की वैल्यू वन रहेगी और सी की वैल्यू हमारे पास वन अपॉन टू आ जाएगी, तो यही हमने आगे लिखी होगी, आप बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं। तो वही हमने लिखा है, जब हमने इसको कंपेयर कर दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के साथ, तो हमें मिला ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू वन और सी की वैल्यू वन अपॉन रूट टू। तो जिस अब हम फॉर्मूला लगाते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, तो जिस माइनस बी हमारे पास क्या रहेगा माइनस ऑफ बी की वैल्यू है वन, तो माइनस वन रहेगा प्लस माइनस बी स्क्वायर हमारे पास वन का स्क्वायर हो जाएगा माइनस फोर इंटू ए इंटू सी, तो फोर इंटू ए हमारे पास क्या है वन है और सी हमारे पास क्या वन अपॉन रूट टू, तो वही लिखा है फोर इंटू वन इंटू वन अपॉन रूट टू। ये थोड़ा छोटा सा दिखाई दे रहा होगा बच्चों को, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ आप बच्चों को। तो अब आप बच्चों को आई होप ये दिखाई दे रहा होगा, तो जिसमें यही हमने वैल्यूज पुट कर दिए हैं, अपॉन टू इंटू ए होता है तो टू इंटू ए की वैल्यू हमारे पास है वन, तो वही हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, वन का स्क्वायर वन ही रहेगा, तो फोर इंटू वन इंटू वन करेंगे, तो जिसमें ये किस तरह से होगा ऐसे होगा ना फोर इंटू वन इंटू वन अपॉन रूट टू, तो फोर इंटू वन इंटू वन करेंगे तो फोर फोर अपॉन रूट टू आ जाएगा, तो वही लिखा है फोर अपॉन रूट टू। अब जिसमें हमारे पास ये फोर अपॉन रूट टू आता है, तो इसको अगर आप रैशनलाइज करो तो कैसे लिखते हो, ये होता है फोर इंटू रूट टू, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा फोर इंटू रूट टू, ये न्यूमिनेटर है फोर इंटू रूट टू करेंगे तो फोर इंटू रूट टू, और रूट टू इंटू रूट टू हमारे पास क्या होता है टू होता है, तो ये टू वन या टू और टू टू जा फोर, तो ये क्या आ जाएगा टू रूट टू। तो डेफिनेट वही हमने लास्ट में यहाँ पे लिखा होगा, देखो इसी को हमने क्या कर दिया फोर रूट टू को रैशनलाइज कर दिया नेक्स्ट टाइम में, और बाकी हमने बिल्कुल सेम वैसे लिखा है टू इंटू वन करते हैं तो टू ही, यहाँ पे भी टू ही वैसा लिखा है, तो डेफिनेट ये हमारे पास क्या हो जाएगा फोर रूट टू अपॉन टू, तो ये अब इसको कैंसिल आउट किया तो हमारे पास क्या आता था टू रूट टू, तो वही हमने लिखा है टू रूट टू। अब देखने ये हमने यहाँ पे टू रूट टू लिख लिया है, तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या रही है माइनस वन प्लस माइनस रूट ऑफ वन माइनस टू रूट टू अपॉन टू। अब डिफरेंस आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वन माइनस टू रूट टू करेंगे तो डिफरेंस जब आप वैल्यू देखोगे जो टू इंटू रूट टू करते हैं तो वैल्यू क्या होती है वन से बड़ी आती है, इट मीन्स ये हमारे पास क्या होगी हो जाएगी, जब देखो जब आप टू इंटू रूट टू की वैल्यू करोगे, मतलब टू इंटू रूट टू की वैल्यू क्या होती है आई थिंक आप बच्चों को मालूम होनी चाहिए, अगर नहीं है मालूम तो मैं बताता हूं आपको, वो होती है 1.41 समथिंग। तो जिसमें जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ये ज्यादा ही आएगा, देखो 2 बन जा 2 और 4 2 जा 8 और 2 बन जा 2, तो 2.82 समथिंग आएगा, तो जिसमें जब आप 1 माइनस 2.82 करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू भी आती है, इसका मतलब आप इसको क्या करना पड़ेगा, आपने इसको माइनस ये हमने माइनस 1 कॉमन निकालना पड़ेगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो, जब आप इसको माइनस 1 यहां से कॉमन निकालोगे तो माइनस 1 ऐसे लिखोगे और 2 रूट 2 और ये हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस 1 इंटू माइनस 1 करेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा, माइनस 1 इंटू रूट 2 रूट 2 करेंगे तो माइनस 2 रूट 2 आ जाएगा, तो जिसमें ये हमारे पास इस तरह से लिख लेंगे, अब इसका रूट अलग से आ जाएगा और इसका रूट अलग से आ जाएगा, तो वही हमने रूट ऑफ माइनस वन अलग से लिखा है और रूट ऑफ टू रूट टू माइनस वन ये अलग से लिखा हुआ है। तो जैसे जब इसका रूट देखते हैं आप बच्चों को पता होता है ये क्या होता है ईओटा, तो वही हमने यहाँ पे ईओटा लिखा हुआ है, आप बच्चों को दिखाई दे रहा होगा। अब डेफिनेशन वही हमने लिखा है माइनस वन प्लस माइनस रूट टू रूट टू माइनस वन इंटू ईओटा अपॉन टू। अब डेफिनेशन एक बार हम प्लस का लिखेंगे एक बार माइनस का लिखेंगे, तो यहीं पे हमने एक बार प्लस का लिखा है और दूसरी बार माइनस का लिखा हुआ है, तो डेफिनेशन इस तरह से हमारे पास ये एक्स की टू वैल्यूज आ गई है। अगर इनको लिखना चाहो तो आप इसका अलग अलग डिनोमिनेटर करके भी लिख सकते हो, माइनस वन अपॉन टू आएगा बीच में प्लस रहेगा, रूट टू रूट ऑफ टू रूट टू माइनस वन ईओटा अपॉन टू अलग से आ जाएगा और इसका भी अलग से डिनोमिनेटर आ सकता है और इसका भी अलग से डिनोमिनेटर आ सकता है, लेकिन आपको इतनी जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। तो डिस्टेंस अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या है, ये हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट टू प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो डिस्टेंस जो हमें इक्वेशन दी थी उसको हमने इस तरह से लिख लिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट टू प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब डिफरेंस आप बच्चे यहां पे देखिएगा, हम इसको भी क्या करेंगे कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के साथ, तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डिफरेंस जब एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन देखा तो वो क्या रहता है वन रहता है। आप बच्चों को डिफरेंस अगर अभी भी कोफिशियंट निकालना नहीं आता होगा तो प्लीज पॉलिनोमियल्स वाला यूनिट है वो मैंने 9th क्लास में बच्चों को पढ़ाया हुआ है, तो वहां पे आप अगर ये देखोगे तो आप बच्चों के सारे कंसेप्ट
क्लियर हो जाएंगे कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, डिग्री क्या होती है, बाइनोमियल क्या होती है, मोनोमियल क्या होती है, ये सारे के सारे कंसेप्ट, सारी की सारी टर्म्स, हर एक चीज मैंने आप बच्चों को वहां पर बताई हुई है। तो आप अगर जिनको भी अभी प्रॉब्लम रहती है तो 9th क्लास का पॉलिनोमियल वाला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, वहां पे आप बच्चों को ये सारी की सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जब हमने इसको देखा तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 रहेगी क्योंकि एक्स का क्वेश्चन है 1, और जो एक्स का क्वेश्चन यहाँ पे बी है तो यहाँ पे एक्स का क्वेश्चन क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा 1/√2 इंटू एक्स करेंगे तब जाके आएगा ना x/√2, तो ये हमारे पास आएगा b की वैल्यू 1/√2 और c की वैल्यू हमारे पास 1 रहेगी। तो वही हमने लिखी है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1/√2 और c की वैल्यू 1। तो जैसे अब हम a, b और c की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा अपना जो सोल्यूशन होता है। तो जैसे ये हमारे पास x है तो x क्या होता है -b + √2a। तो जैसे जो b है तो b की वैल्यू 1/√2 है, वही हमने लिखी है, तो ये क्या हो जाएगा -1/√2 + √2, यहाँ पे क्या रहेगा 1/√2 का स्केयर, तो वही लिखा 1/√2 का स्केयर -4a, और c, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 1 है, तो वही हमने यहाँ पे लिखी हुई है √2a, तो 2 × a हमारे पास है 1, तो वही हमने लिखा है। तो रिलेशन अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 1/√2, तो 1 का स्केयर 1 ही रहेगा और √2 का स्केयर आप बच्चों को मालूम है वो 2 होता है, और -4 × 1 × 1 करेंगे तो 4 1 या 4 और 4 1 या 4, तो ये क्या रहेगा 4 ही रहेगा। तो ये अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो रिलेशन आप देखो इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, तो 1 × 1 करेंगे तो 1, बीच में -4 2 या 8, तो वही लिखा 8/2 1 या 2। तो रिलेशन ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे आ गया -1/√2 + -1 -8, तो 1 में से 8 निकालेंगे क्या आता है -7 -7/2। तो जैसे ये आप यहाँ पे देखोगे ये -7/2, अब इसका अगर रूट करोगे तो क्या होगा -√7/√2। तो जैसे ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्योंकि ये तो डिनोमिनेटर में है, तो ये अब ये डिनोमिनेटर में है तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और साथ में यहाँ पे देखो यहाँ पे भी ये डिनोमिनेटर में क्या है √2 है। जब इसका डिनोमिनेटर में √2 अगर आपका आपके पास इस तरह से आ रहा है, जब -1/√2 + -√7/√2, तो आप क्या करोगे इन दोनों का डिनोमिनेटर एक ही बार में लिख लोगे तो वो क्या होगा -1 + -√-7 क्या हो जाएगा √2, और यही √2 हमारा कहां चला जाएगा डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो अभी तक डिनोमिनेटर में 2 था तो इसके साथ ये √2 भी आ जाएगा, तो वही हमने लिखा है √2, और न्यूमिनेटर में क्या बचेगा 1 -1 + -√-7, तो वही लिखा है -1 + -√-7। आप डिफरेंट ये √-7 आप चेंज कर सकते हो, 7 का रूट अलग से आ जाएगा, -1 का रूट अलग से आएगा, तो वही लिखा है √7 और √-1 अलग से। तो डिफरेंट ये हमारे पास क्या हो जाएगा -1 + -√7, और साथ में -1 का रूट क्या होता है इओटा, तो वही हमने लिखा है -1 + -√7 अपॉन में क्या आ जाएगा 2√2। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास ये एक्स की वैल्यू आएगी, अब ये प्लस में है ये माइनस में है तो हम इन दोनों को अलग अलग करके लिख लेंगे, तो वही हमने अलग अलग करके लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास क्या आ गया x = -1 + √7 √2, और कॉमा में दूसरा वाला क्या आ जाएगा -1 - √7 √2। अब जैसे ये हमारे पास 2 वैल्यूज होगी, अब इन दोनों को भी आप अलग अलग डिनोमिनेटर दे सकते हो, तो अलग अलग डिनोमिनेटर दिया तो -1/√2 आएगा और √7/√2 इयोटा अलग से आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आ जाएगा -1/√2, तो ये लिखा है, और बीच में माइनस का साइन था वो लिखा है, और यहाँ पे √7/√2, तो वो लिखा है, और साथ में ये था इयोटा, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 10 था इसमें भी हमने एक्स की दोनों वैल्यूज फाइंड कर दी। तो जैसे ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 था ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, और इसके भी हमारे पास 2 रूट्स आ गए। तो स्टूडेंट्स आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा, ये क्वेश्चन तो गया, अब आप बच्चों को ये पूरा का पूरा यूनिट आपका कंप्लीट हो गया, और आप बच्चों को ये कंप्लीट यूनिट बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। डियर स्टूडेंट्स अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट रहता है आप मुझे दोबारा से पूछ सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को मैं एक चीज और बता देता हूँ, ये हमारे पास हमारा है व्हाट्सएप नंबर 8830720222। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह से, तो डियर स्टूडेंट माई सेल्फ रोहित हजूरिया, तो डियर स्टूडेंट आप मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हो। तो डियर स्टूडेंट हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बनाए हैं स्टडी के लिए, तो डियर स्टूडेंट अगर आप बच्चों को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं पे भी कोई डाउट होता है, तो डियर स्टूडेंट आप बच्चे इस नंबर पे मैसेज करके मुझे आप अपना नंबर भेज सकते हो, और मैं उसको आप के नंबर को उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो जैसे आप उस ग्रुप में कुछ भी कोई भी डाउट
पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इन ग्रुप्स में ऑलरेडी हैं, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। अगर किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो रेस्टोरेंट आप मुझे व्हाट्सएप पे इस नंबर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो रेस्टोरेंट्स, अगर आप बच्चों को लगता है कि ये लेक्चर आप बच्चे के लिए हेल्पफुल है, अगर आप बच्चों को लगता है ये चैनल आप बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा, तो रेस्टोरेंट्स प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, जहां तक आप इस चैनल को फैला सकते हो, जहां तक इसको शेयर कर सकते हो, तो डियर फ्रेंड्स ये कर लेना चाहिए। यही आपकी जो जैसे बोलते हैं गुरु दक्षिणा, तो यही आपकी वो गुरु दक्षिणा होगी। अगर आप बच्चे देखो, आपको अगर थोड़ी सी भी हेल्प लगती है कि इस चैनल ने हमें कुछ सिखाया है, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप भी इस चैनल को बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, ताकि बाकी स्टूडेंट्स जो होंगे वो भी इन लेक्चर्स का फायदा उठाएंगे, वो भी देखेंगे अगर ये लेक्चर्स, तो वो आपको भी थैंक्स कहेंगे कि जिन बच्चों ने हमें ये रास्ता दिखाया कि हाँ भाई हम भी इस चैनल के माध्यम से कुछ अच्छा सीख सकें। तो साथ में जिसने ये चैनल बनाया, दैट मीन्स आई एम रोहित खजूरिया। तो रेशन आप बच्चे अगर ये चैनल शेयर करोगे तो हर एक बच्चे को फायदा होगा। तो रेशन प्लीज शेयर टू एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स। ये आप बच्चों को एक प्रॉमिस करना है अपने साथ कि मैं 10 बच्चे इस चैनल के साथ जोड़ूंगा ही जोड़ूंगा। तो बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।